नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। यम दीपक कितने बजे जलाएं, यानी धन त्रयोदशी धनतेरस पर यम पूजा का खास करके महत्व होता है। और कहते हैं कि यम दीपक जिस घर की मुख्य दहलीज पर जला दिया जाता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी अकाल मृत्यु का भय जो है वो समाप्त होता है। क्योंकि यम का दीपक जलाने से, किसी खास दिशा में इस दीपक को प्रज्वलित करने से, आपके जीवन के अंदर से एक डर, एक भय, मृत्यु का भय जो होता है वो खत्म होता है। और कभी भी यम आपके घर की तरफ निगाह नहीं दौड़ाते हैं, खास करके अकाल मृत्यु की जब हम बात करते हैं। यम दीपक कब जलाना चाहिए, कितने बजे जलाना है, कितने बजे प्रज्वलित करना है, और खास करके ये यम दीपक जो होता है ये कुबेर पूजा से पहले जलाना चाहिए या बाद में जलाना चाहिए, और सही तरीका क्या है यम दीपक को जलाने का, प्रज्वलित करने का। सबसे पहली ये चीज होती है कि यम दीपक चार मुख वाला भी जला सकते हैं और आप एक मुख वाला यम दीपक भी जला सकते हैं। 23 अक्टूबर को ही यम दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन धनतेरस है, धन त्रयोदशी है, इसी दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है। दूसरी बात, कहते हैं कि यम दीपक कुबेर की पूजा के बाद जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले कुबेर पूजा करनी चाहिए। अब कुबेर पूजा कितने बजे करनी चाहिए ये वीडियो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, हमने अपनी वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पर है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त और तरीका, विधि सब कुछ हमने उसमें बताया हुआ है। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो यम दीपक की बता रहे हैं कि यम दीपक आपने कितने बजे जलाना है और तरीका क्या होना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ क्लियर हमने इसलिए कर दिए कि बहुत सारे लोग जो हैं यम दीपक कुबेर पूजा से पहले जलाते हैं। कम कुबेर पूजा पहले करनी है और उसके बाद आपने यम दीपक अपने घर की मुख्य दहलीज पर ज़रूर जलाना है। समय क्या होगा ये हम बताएंगे आपको कि कितने समय के बीच में ही आपने यम दीपक जलाना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक मुख वाला, चार मुख वाला, ये दोनों दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और दोनों में से कोई भी, जो भी आप दीपक जला रहे हैं वो आपका सरसों के तेल सा ही दीपक जलना है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आप चमेली का तेल डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन यम दीपक सरसों के तेल से जलाना चाहिए। बाकी तो हर एक की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ करते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप अगर के धन दीपक जला रहे हैं, अगर आप धन त्रयोदशी का दीपक जला रहे हैं, कुबेर का दीपक जला रहे हैं, तो घी से जलाइएगा, घी से प्रज्वलित कीजिएगा। लेकिन जब हम यम दीपक की बात कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल का ये दीपक जलाएं। यम दीपक आपका जलाते समय कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कहते हैं कि यम दीपक जब भी जलाया जाता है तो आपने तामसिक कुछ भी चीज़ें नहीं खाई होनी चाहिए या घर में नहीं बननी चाहिए। वैसे भी त्रयोदशी तिथि धनतेरस पर ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं ना खाई जाती हैं, तामसिक चीज़ों से दूर रहा जाता है। लेकिन खास करके जब हम कोई विधियाँ कर रहे होते हैं तो उनमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। फिर आती है बात कि आपको समय कौन सा होना चाहिए, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले तरीके को समझिए कि आपका तरीका क्या अपनाना है। यम दीपक जब जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, पहला उसमें सरसों का तेल होना चाहिए, दूसरा आपके पास लोई, जिसको आप बोलते हैं बताशे होते हैं, फूलियाँ होती हैं, खील बताशे जिसको आप कहते हैं वो भी उसको बोल सकते हैं, लोई भी बोलते हैं, जिसे आप बेलपूरी होती है जिसमें आप बेल खाते हैं, वो चावलों के जो फूले फूले हुए से होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये होता क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसको खील भी बोलते हैं बहुत सारे लोग अपनी भाषा में, कुछ लोग इसको लोई बोलते हैं, कुछ लोग इसे फुलियाँ बोलते हैं। तो यानी आपने
बताशे और फुलियां ये जरूर होनी चाहिए अगर आप यम दीपक जलाने जा रहे हैं, और जरूर जलाना चाहिए। हमने कहा ना, इससे बहुत सारे कष्ट भी आपके दूर होते हैं और इससे आपका भय खत्म होता है। फिर आती है बात कि इसमें और क्या चीज़ें, एक सिक्का जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप मिठाई मिष्ठान जो होता है वो आप रख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे फ्लैट सिस्टम होता है जहाँ पे दक्षिण दिशा का नहीं कॉम्बिनेशन बन पाता है, तो क्या वो लोग नहीं जलाएंगे? वो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, तरीका है। आपने जब ये यम दीपक जलाना है तो उसमें खास दिशा का भी ध्यान रखना है जो कि दक्षिण दिशा ही होती है, दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाया जाता है यम दीपक। अब ये समय कौन सा हो और किस तरीके से, अगर मान लीजिए आपको दिशा नहीं मिलती है सही, आपको ऐसा एक फ्लैट है जहाँ पे ये इस दिशा की तरफ आपका ये कॉर्नर पड़ता ही नहीं है, या मैं मुख्य दहलीज पर वो दिशा नहीं बन पा रही है, तो आपने एक तरीका अपनाना है। जो पहली लो आप जलाते हैं तो आप चार मुख वाला दीपक लीजिएगा, जो पहली लो आप जलाएंगे, पहली बाती आप जलाएंगे, वो आपकी दक्षिण दिशा की तरफ वाली बाती जला लीजिए, तो भी आपका ये सोल्यूशन जो है ये निकल सकता है। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि जो दक्षिण दिशा की जो बाती है ना वो हमारे घर के अंदर की तरफ आ जाती है, तो क्या हुआ, आप दिशा को रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, आप दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके घर के अंदर की तरफ बाती जा रही है उसको भूल जाइए। जो दिशा आपको यम दिशा की तरफ आपके दीपक जलाना है तो वो दिशा आपको दक्षिण दिशा ही चुनाव करनी पड़ेगी, भले वो उसके डायरेक्शन आपके घर की तरफ आ रही है, तो उससे परहेज मत कीजिए, दिशा वो ही आपने उठानी है। दूसरा, आपने सबसे पहले नीचे ज़मीन के ऊपर, आप बहुत सारे लोग ना ज़मीन के नीचे कुछ रख लेते हैं फिर जलाते हैं दीपक, नहीं, आप वो जो खील फुलियाँ जो हमने बोला है जिसे हम लोई भी कह रहे हैं, वो पहले थोड़ा सा नीचे आप फैला लीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिए, उसके बीच में एक सिक्का डालिए, कुछ फुलियों के दाने उसके बीच में दिए के बीच में डालिए, साथ में बताशे रखिए, साथ में आप कुछ मिठाई रख सकते हैं, मिठाई में भी कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद मिठाई ही हो, बताशे भी अगर रख रहे हैं तो कलरफुल ना हो करके सफ़ेद बताशे ही रखिएगा, और तब आपने पहला लो जो है, पहली बाती जो है वो आपने दक्षिण दिशा की जलानी है, और उसके बाद आपने सारी बत्तियां जला देनी है। अब ये जल गया आपका दीपक, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ क्षण उस दिए के पास में बैठना है, यम को प्रणाम करना है कि हे यम देव, मेरे घर को, मेरे घर के हर सदस्य को अकाल मृत्यु के भय से बचाना, कभी भी हमारे घर परिवार सदस्यों की तरफ कोई ऐसी घटना ना हो, आपने हमारी सुरक्षा करनी है, हमारे घर की सुरक्षा करनी है, हमारे घर के हर सदस्य की सुरक्षा करनी है, मेरी सुरक्षा भी करनी है। हमेशा हम क्या करते हैं, हम सबकी सुरक्षा मांग लेते हैं, जो कर रहा होता है विधि वो अपनी सुरक्षा भूल जाता है, अपने अपने बारे में भी सुरक्षा मांगनी है, तो अपनी सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा, घर के हर सदस्य की सुरक्षा, ये आपने प्रार्थना करनी है, प्रणाम करना है, उसके बाद आपने उठना है और सीधा मुड़ करके अपने घर के अंदर की तरफ आ जाना है। तब बार बार उस दीपक को जलते हुए देखने जाना नहीं है, जलने दीजिए, कुछ समय उसको जलने दीजिए, प्रज्वलित होने दीजिए। अब कुछ लोगों को ना बड़ा डर वहम हो जाता है कि हमने दीपक जला दिया कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, किसने कहा नहीं निकल पाएंगे, लेकिन कुछ समय वो स्थान अकेला छोड़ना चाहिए, उसके बाद आप अपनी सारी जो विधियाँ होती हैं, काम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं, कुबेर जो दीपक है वो आपने पहले प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में, उसके बाद आपने यम दीपक जो कि घर की मुख्य दहलीज, लेकिन बाहर की तरफ दहलीज, अंदर की तरफ ना जलाएं, बाहर की तरफ इसे प्रज्वलित किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि दीपक प्रज्वलित तो कर देते हैं, उसको करना क्या है, दूसरे दिन तो शांत हो जाएगा सुबह दीपक, तब आप क्या करें,
आपने उस दीपक की जितनी भी सामग्री होती है वो सारी इकट्ठी कर लेनी है, लेकिन उसे घर के बाहर ही रखिएगा, अंदर नहीं लेकर के आना होता है। और बाहर बाहर से ले जा कर के आपने किसी भी पेड़ पौधे में जा कर के रख सकते हैं। कुछ लोग जल प्रवाह कर देते हैं, लेकिन इसे पीपल के पेड़ के नीचे या बिना कांटेदार पौधा या पेड़ कोई होता है तो अपने घर से बाहर ले जा करके इसे खुले मैदान में कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है आपने, ताकि हर कोई ये यम दीपक अपने घर के मुख्य दहलीज पर जला सके और अकाल मृत्यु के भय से, इनफैक्ट मृत्यु के भय से दूर हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।